कोरोना क्या है, ये कोई जरासीम है या हम खुद ही सब कोरोना हैं? जानिए इस वीडियो में। कोई ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर हम सब मुत्तफिक हों। हमने किसी की इज्जत रहने दी ना अपनी, कोई हमारे अल्जामों से ना बचा, कोई ना रह गया जिसमें हमने कीड़े ना निकाले हों। कायदे आजम काफरे आजम खराब एम्बुलेंस में मार दिया, मादरे मिल्लत फातिमा जना भारतीय एजेंट पुरिसरार मौत, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान कत्ल, कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो फांसी, दुख्तरे मशरक बेनजीर भुट्टो कत्ल, अयूब कुत्ता के नारे घर भिजवा कर छोड़ा, याया खान शराबी रंगीला, परवेज मुशर्रफ गद्दारे आइन, बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ की नजर में सिक्योरिटी रिस्क, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की नजर में जाति उमरा का मजीबुर रहमान, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मोदी का यार, दरिंदा धरती का नासूर, आसफ जरदारी मिस्टर 10%, मिस्टर 100%, इमरान खान यहूदी एजेंट, पागल खान, तालिबान खान, जूटन खान, प्ले बॉय निशई, सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान में कब्र की जगह ना मिली, मोसने पाकिस्तान डॉक्टर एक्यू खान, रुसवाइयां बेइज्जतियां कैदे अब्दुल सत्तार इदी, एक इलेक्शन में खड़े हुए जमानत जब्त हो गई। हमने आधा मुल्क गंवाकर भी कुछ ना सीखा। हम सीपैक पर इकट्ठे नहीं, हम कश्मीर पर एक नहीं, हम कोरोना बहरान पर एक साथ नहीं, हमारा सब डंग टपाओ, हमारा सब कुछ जाती मुफादात के ताबे, हमारे यहाँ गलाम इब्ने गलाम दानिश्वर बने बैठे, यहाँ नौकरों के चाकर अफलातूनिया जाड़ रहे, यहाँ खुशामदी सुकरात का रूप धारे हुए, यहाँ सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक तोतों की जबानों पर एक ही विर्द, मेरा अका ठीक, मेरा अका ठीक। हमारे नारे बदल गए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ये यूं हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या, दब के लुट रज के खा, हम जिंदा कौम है ये यूं बदला, हम शर्मिंदा कौम है, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, सांझी अपनी खुशियां गम एक हैं, अब ये यूं हुआ, इस परचम के साए तले हम सब करोने खेत हैं, सांझी अपनी करप्शन भुक मातम एक हैं, फैज अहमद फैज हथकड़ियां, हबीब जालब जेलें, उस्ताद दामन गुर्बत, सागर सदीकी रुल रुल मर गया, अहमद फराज घर का सामान सड़क पर, वहीद मुराद जवाल में मरा, सुल्तान राही कत्ल, रूही बानो पागल करके मारा, दिल दिल पाकिस्तान वाले निसार नासक या डॉक्टर अनवर सजाद, पैसे पैसे को तरसे, अली इजाज रोते धोते अगले जहां गया, बब्बू बराल हुकूमती इमदाद की राह तकते तकते फौत हुआ, ये चंद मिसालें, ऐसी बीसियों मिसालें और भी। एक मरतबा मैंने पठाने खां से कहा, साईं अल्लाह ने आपको क्या नाम मकाम दिया, दुनिया में कौन सा मुल्क जहां मैडा इश्कवी तू ना सुना जाता हो, कोई ख्वाहिश। पठाने खां ने लंबी सर्द आह भरी, सिगरेट का कश मारा, बोले साईं ख्वाहिश है कोई महीना ऐसा आए कि मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, साईं मैं गुंगों बहरों अंधों के सामने हाथ फैला फैला उनसे मांग मांग थक गया हूं। एक बार माजी की एक मशहूर अदाकारा पर बुरा वक्त आया, अपनों ने घर से निकाल दिया, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते लाहौर की एक कच्ची बस्ती के एक तंगोतारी घर पहुंचा, शाम का वक्त एक चारपाई पर मक्खियों के झुंड में लेटी इस अदाकारा ने इतना भी ना किया कि मेरे आने पर पेट से हटी कमीज ठीक कर लेती, सर के नीचे रखे दुपट्टे से फटी कमीज डांप लेती, वो 3 घंटे जो वहां गुजरे कभी ना भूल पाए। ये अलहदा बात बाद में उसी अदाकारा को हम कुछ दोस्त पोश इलाके में लाने में कामयाब हुए, ये टीवी फिल्मों में फिर से मसरूफ हुई
उसके अच्छे दिन आए, रिश्तेदारों से घर का कब्जा भी वापस मिल गया, मगर वो कच्ची बस्ती, वो पेशाब भरी गलियां, वो बदबूदार माहौल, वो तंगो तारीख सलीन सदा मकान, वो पुरानी चारपाई, वो दुपट्टा सर के नीचे रखे खुद से बेखबर लेटी अदाकारा जो कभी स्क्रीन पर आती, लोगों की सांसें रुक जाती, जो आंखें घुमा घुमा कर बोलते हुए एक शाने बेनियाजी से हंसती तो लोग सिनेमा हॉल सर पर उठा लेते। मुझे वो अदाकार भी याद जिसे एक रोज दवाई के लिए 500 रुपयों की जरूरत थी और उस दिन 500 रुपए के लिए उसने अपना एक अवार्ड बेच दिया। वो एक एक लुकमे को तरसती मर गई, ड्रामा एनक वाले जिनकी बिल बतोड़ी और अभी कल ही 3600 रुपए का बिल हाथ में पकड़े बदुआएं देता आंसू बहाता जावेद कोडू। हमारे मजाज ऐसे गटरी, एक दूसरे को याद करने, एक दूसरे का हवाला देने, एक दूसरे का तारुफ कराने का अंदाज भी बदबूदार, जैसे वो फलां को जानते हो। कौन फलां? वही जिसके बाप पर नैब का केस बना था। वो फलां को जानते हो? कौन फलां? वही जिसका चचा फलां औरत को भगाकर ले गया था। वो फलां आज मिला था। कौन फलां? वही जिसे उसकी बेगम छोड़ गई थी। हम सुबह सवेरे अल्जामों दशनाम तराजियों के टोकरे सर पर रखे घर से निकले, शाम तक एक जमाने का मुंह काला करके घर लौटे, हमें पता ही ना चले असल में सारा दिन हम बड़ी मेहनत से अपना ही मुंह काला करते रहे। बंदा चाहे जितना बा इज्जत हो, वो हमसे मिला भी ना हो, मगर हम यूं उससे ऐब दर ऐब निकालेंगे जैसे उसके हर ऐब के हम चश्मदीद गवाह। मैं अक्सर सोचूं हम एक दूसरे से इतना हसद क्यों करते हैं, हम हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्यों लगे रहते हैं, हमें दूसरों की इज्जत कामयाबी खुशी हजम क्यों नहीं होती। मुझे अक्सर लगे हम सब ला इलाज हो चुके, ऐसे ही जैसे कोरोना वायरस, लेकिन ऐन मुमकिन कोरोना वायरस का इलाज तो दरियाफ्त हो जाए मगर हम कोरोने ला इलाज ही रहें। कोरोने हुक्मरान, कोरोनी कौम, कोरोना कोरोना कर दीनी, मैं अभी कोरोना हुई।